हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मेरे न्यू ब्लॉग में फिर से आप लोग का स्वागत है। मैं ना ऑफ़िस जा रही थी, सुबह हो चुका है मॉर्निंग और मेरा को लेट हो गया है ऑफ़िस से। तो मैं जल्दी ऑफ़िस जा रही थी, पहले तो मैं बस में ट्रैवल कर रही थी बट थोड़ा लेट हो गया था। मैंने आधे रास्ते से ऑटो कर लिया और अभी मैं ऑफ़िस पहुँच ही गई एकदम। और यहाँ पर मेरा ऑफ़िस है और अभी लंच हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ये नीचे बैठा हुआ था, तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। मैंने बोला आप तेरा जो वीडियो है वो मैं यूट्यूब पे डालूंगी। और ये मेरी फ्रेंड है जो कि झूला झूल रही थी और अचानक से गार्ड आ गया। अभी तो डर गए थे हमें डांटेगा, क्योंकि इस वाले पार्क में ना कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, उसके बाद ही आना होता है। बट हम लोग क्या किए, विदाउट चार्जेस पे किए तो अंदर चले गए थे और झूला झूलने के लिए बैठ गए। बट हम लोग भाग रहे थे, गार्ड से छिप रहे थे, फिर गार्ड चला गया ना, तो फिर से हम लोग आ गए। और इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने झूला झूला और यहाँ पे तो मैं यहाँ पे झूला झूल रही थी और ये ब्लू वाले जो आपको देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसमें ये झूला झूल रही थी। तो अभी मैं छुट्टी हो गई मेरी ऑफिस की और मैं अभी घर के लिए निकल गई हूँ। डेली तो मैं बस से जाती हूँ लेकिन आज मैं मेट्रो से जाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ना बहुत थोड़ी सी ख़राब सी लग रही है, ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी घर पहुँच जाऊँ, तो इसलिए मैं मेट्रो की तरफ जा रही हूँ। और अभी मैं घर आ गई थी, घर आते ही मुझे चाहिए होता है गरम गरम चाय, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, पापा के लिए बना रही हूँ, छोटी सिस्टर के लिए बना रही हूँ, सबके लिए बना रही हूँ। और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और मेरा चाय यहाँ पर बन के रेडी हो गया है, तो मैं सबके लिए निकाल रही हूँ। मेरा छोटा भाई भी है मेरे साथ में तो उसको भी दूँगी। तो मैं यहाँ पर चार कप निकाल रही हूँ और हमारे पास अलग अलग टाइप के कप हैं, तो मैं यहाँ पर सबके लिए चाय लेके जा रही हूँ अलग अलग कप में। और यहाँ पर हम सब बैठ के एक एक करके चाय पियेंगे। तो मेरी बहन भी आ गई थी बट वो चली गई बाहर, तो मैं उसके लिए चाय नहीं बना पाई, तो मैं अकेले अकेले चाय इंजॉय कर रही थी। साथ में मेरी छोटी सिस्टर भी थी और जो हैप्पी बर्थडे का बोर्ड देख रहे हैं ना, तो मेरा कल हैप्पी बर्थडे है तो इसलिए पहले से ही लगा दिया गया है यहाँ पर। तो अभी हमारे घर में आया है जस्ट अभी भी खरीद के ये कवर्ड पापा लेकर आए, तो मैं आप लोग को इसमें दिखाती हूँ कैसा है। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे लाने के लिए, घर तो शिफ्ट कर लिए थे बट हम लोग अभी तक कबर्ड बनाए नहीं थे, तो हमने सोचा क्यों ना अभी खरीद के ही लेके आया जाए। तो पापा भी जस्ट खरीद के लेके आए हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये हूँ मैं, आप देख सकते हैं सामान कैसे ऐसे बिखरा पड़ा रहता है। तो हमारे घर में दो अलमीरा है, एक ये है देख सकते हैं, इसमें शीशा भी है तो आराम से हम लोग अब तो कपड़े पहन के देख भी सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है, मैं आप लोग को बताते हुए भी खुशी हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे हैंगर भी दिया हुआ है हैंगर के लिए ये, और यहाँ पे हम कपड़े रख सकते हैं। फिर एक छोटा सा खाना दिया है, इसमें मेकअप का सामान रख सकती हूँ। एक ये भी है और ये देखिए ये भी है, इसमें ड्रॉअर दिया है और ये लॉकर दिया है। एक और है, इसमें की भी है। अरे बहुत छोटा नहीं है, थोड़ा मुझे छोटा सा लग रहा है, तुम्हारे लिए छोटा ही आया है, तुम तीन का कपड़ा एक में आ जाएगा, नहीं लाने के लिए क्या है। सुन, एक और दिखाती हूँ मैं आप लोग को, दिया है यहाँ पर और यहाँ पे कपड़े रखने के लिए। यहाँ पे फिर से मेरा कपड़ा आ जाएगा या है मेरा मेकअप का सामान आ जाएगा। और इधर एक ड्रॉअर है, सेम ही दिया है, मतलब दोनों एक जैसा ही आया है। और फिर यहाँ पे दिखाऊँ यहाँ पे लॉकर है, सेम तो दोनों ही सेम है। अभी हमारे पापा जी ने पैसे रख दिया यहाँ पे लॉकर पर, क्या होते हैं क्या बोलते हैं उसको, पहनी हो गया पहनी। तो ठीक है, छोटा है थोड़ा, और थोड़ा और बड़ा लाना था। कम समझ रही है क्या, सस्ते में मिल गया कह रही है। नहीं रखते पापा, कहीं और रखते हैं, उस रूम में रखते हैं ना ये पापा, निकल जाएगा क्या? अरे थी है इसको, क्या करना है, बैठाया है अंदर से मारा है। तभी सब इसमें कपड़ा रखना स्टार्ट करेंगे, अभी से अभी कोई मेहनत करने वाला नहीं है, अभी कोई मेहनत करने वाला नहीं है। क्यों मोड़ा डाली, अभी रख दो अच्छा लगेगा। पापा
गया। ये कहाँ रखेंगे, डिसाइड हुआ क्या? अभी पता नहीं है कि हम कहाँ रखेंगे, कपड़े तो ऐसे ही फैले रहते हैं हमारे अभी, मतलब कुछ हमारे पास अलमीरा नहीं था और फाइनली अलमीरा आ गया, तो हम उसमें रखेंगे सामान वगैरह और इसको हमारा थोड़ा घर शांति रहेगा। यहाँ पे अब वहाँ पे जगह नहीं है, सब कहाँ जगह है, दूसरा जगह यही रखो सामने, जगह नहीं है तो जगह बनाना पड़ेगा। तो अभी जो कपड़े बेड पे फैले हुए हैं उनको मैं सही कर लेती हूँ। और आप लोग को ये अलमीरा कैसा लगा? और मेरी तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट आते आते मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो सबसे पहले मैंने चाय पिया, उसके बाद अलमीरा को चेक किया। पापा जब मैं चाय पी रही थी तो अलमीरा लाने ही गए थे चाय पीने के बाद। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा? और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी एक ऐसे ही ब्लॉग के साथ। आप लोग इसी ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए।